गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, दिस इज़ आवर बुक सोशल साइंस। द बुक नेम इज़ आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, एंड आई विल टीच यू द सब्जेक्ट नेम ऑफ सोशल साइंस। चैप्टर टू इन हिस्ट्री, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब ध्यान दीजिए सभी, इसमें हमारा जो प्रीवियस टॉपिक थे, जो कल हमने बताया था ऑनलाइन क्लास में, ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट आउटसाइड बंगाल, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, आज इन्होंने बंगाल के जो आउटसाइड एरिया थे, जो अवध एरिया था और जो हमारी यमुना रिवर है उसको अपने अंडर में किया और वहाँ जितने भी जो रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज़ किया, मिसयूज़ किया उसका अपने जो रिसोर्सेज को बनाने के लिए। ओके, तो जो उसमें आउटसाइड एरिया थे बंगाल के, आप देख सकते हो उसमें जो बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, अवध एंड कर्नाटक, इन प्लेसेस को उन्होंने अपने अंडर में किया। ओके, आगे जो टॉपिक पढ़ाया था हमने कल ऑनलाइन में, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, पॉलिसी टूवर्ड्स अवध एंड रोहिलखंड। अब देखिए, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को लागू किया, पॉलिसीज़ को इम्प्लाई किया अवध और रोहिलखंड ने। तो जो भी फ्रेंच रूलर थे या जो भी पोर्टुगीज रूलर थे, उनसे बचाने के लिए उन एरियाज़ को उन्होंने प्रोटेक्ट किया आर्मी से, और जो अवध है उसे उन्होंने फाइनली बनाया बफर स्टेट। ओके, अब देख लीजिए इस मैप में, ये मैप दे रखा है, इसमें दे रखा है बिफोर 18th सेंचुरी का मैप है। यहाँ पर देख लीजिए साइट्स ऑफ वॉर दिया हुआ है। ओके, और उसमें दे रखा है आगे फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर दे रखा है। यहाँ पर देखिए साइट्स ऑफ वॉर हैं जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक तरह से कब्जा था, जैसे यहाँ पर देखिए जो रिवर्स हैं चिनाब, रबी, ब्यास, ये रिवर्स के नेम हैं। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली है, रोहिलखंड है, अवध है, ठीक है, झांसी, कोरा, ठीक है, ये आपके प्लेसेस हैं, नागपुर, हैदराबाद, नीचे आइए साउथ की तरफ मैसूर, मद्रास, पांडिचेरी, ठीक है, आप यहाँ आइए महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, और यहाँ गुजरात में आइए सूरत। तो ये प्लेसेस हैं जहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटोरियल बाउंड्री थी, पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रूल करती थी। बड़ा ही मैप दे रखा है, पॉलिटिकल मैप, इस मैप को आप ड्रॉ करोगे नोटबुक में और इसे समझोगे कि बिफोर 19th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लार्ज पार्ट्स में उन एरियाज़ को अपने अंडर में किया और उनको ऑक्यूपाइड करके वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं या वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इस्टेब्लिश किया, तो किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने वहाँ पर जो सिस्टम था उसे चेंज किया। ओके, देखिए यहाँ पर देखा है, ये पिक्चर भी देखिए आप, बताएँगे मैसूर वॉर में जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, तो पिक्चर दे रखी है, देखिए 2.8, टीपू सुल्तान निक नेम द टाइगर। देखिए जो टीपू सुल्तान है, ये हैदराबाद के निज़ाम थे, रूलर थे, बहुत ही ब्रेव रूलर थे, इन्होंने काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो उनका एक इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशन था, उनसे अपनी स्टेट को, अपने राज्य को बचाया था और बहुत सालों तक युद्ध लड़ा था। बाद में इनकी डेथ हो गई थी, इनको मार दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत सारी मिलिट्री पावर थी। तो यहाँ पर दे रखा है इनका जो निकनेम्ड है वो टाइगर है, इनको हम द टाइगर के नाम से जानते हैं। ही सेड दैट इट इज़ बेटर टू बी लिव विद द टाइगर देन ए लाइफ टाइम एज ए सेफ। इन्होंने कहा है कि जो ज़िंदगी जीनी है, जो हमारी कॉलोनी गवर्नमेंट है, जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो दुश्मन हैं, उनसे एक तरह से हमें लोहा लेना है, वॉर लड़ना है, टाइगर की तरह हमें लड़ना है। तो ज़िंदगी जो जियो वो शान से जियो, और वो टाइगर के फॉर्म में वो ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो इनको जो टाइटल दिया है वो टाइगर के नाम से दिया है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ देखिए जो नवाब से हैं, ठीक है ना, यहाँ देखिए सेकेंड लाइन इसमें दे रखा है, द नवाब हैड टू मेंटेन एट हिज ओन कॉस्ट द कंपनी ट्रूप्स इन अवध। और जो नवाब थे, जो रेवेन्यू टैक्स आता था, तो उस रेवेन्यू टैक्स के पैसे को जो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की, मतलब कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स हैं, जो उनकी ट्रूप्स है, जो उनकी आर्मी है, तो उनको वो अपने रेवेन्यू टैक्स से ही मेंटेन करते थे और उनका पूरा जो प्रॉफिट लेते थे वो प्रॉफिट कौन लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जिस तरह जो ट्रूप्स है उन ट्रूप को मेंटेन करने में जो नवाब हैं बंगाल के, बिहार के या हैदराबाद के, वो जो रेवेन्यू टैक्स है उसी वो यूज़ करते थे। ओके, तो इसमें ये मैंने कल बताया था आपको पूरा टॉपिक है नेक्स्ट मैसूर वॉर्स, ठीक है। तो मैसूर वॉर्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो मैसूर वॉर हुआ था कर्नाटक में, जो हैदराबाद के निज़ाम थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में ये वॉर हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली अलार्म द कंपनी। जो मैसूर की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज को जो एक्सपेंशन किया, मतलब बढ़ाया, एक्सपेंड किया, तो वो किसके अंडर में हुआ, वो हैदर अली के अंडर में हुआ। और धीरे धीरे हैदर अली को उन्होंने एक तरह से चैलेंज दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने, जिस तरह हैदर अली रूल करती थी पूरे हैदराबाद में, आप कह सकते हो मैसूर में, कर्नाटक में, ठीक है, द मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद
और कौन कौन से रूलर थे, मराठा से महाराष्ट्र पुणे में, और निज़ाम थे, निज़ाम मीन्स कैसा कहा जाता है रूलर को, और निज़ाम थे हैदराबाद में। ओके, तो ये इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।